हे हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ गीतांजलि और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये पार्टी मेकअप लुक जो कि होने वाला है न्यू ईयर के लिए। और आप चाहे तो इसको कोई भी विंटर पार्टी मेकअप यूज़ कर सकते हो इसको। और इसके लिए फर्स्ट मैंने लिया है टोनर जो है प्लम का, और ये मेरा नया ही परचेस है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसकी फ्रेग्रेंस बेस्ट है और मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने नेक पे और फेस पे। देन मैं लूँगी मॉइस्चराइज़र जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है और मुझे बहुत पसंद है ये। सो ये इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहे तो इसमें एक क्रीम मॉइस्चराइज़र भी आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसके साथ जा सकते हो। और मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने फेस पे और नेक पे, और आप देख सकते हो कि स्किन केयर से ही कितना अच्छा ग्लो मिल जाता है अपने फेस पे, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता आपके फेस पे। बहुत अच्छा है, अच्छा फॉर्मूला लगता है मुझे। विंटर्स में मेकअप कर रहे हैं तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजिप सीरम जो कि आपके फेस को अच्छा बेस प्रोवाइड करेगा और अच्छे से ग्लाइड हो जाता है आपका जो भी बेस है ना, फाउंडेशन जो भी आप यूज़ करोगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ये विंटर में यूज़ करना। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है आपके फेस को। उसके बाद आप देख सकते हो कि हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट हो अपना जो बेस बनाने के लिए हम जो प्रिपरेशन करते हैं अपनी स्किन में। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको पता चले कि हर एक प्रोडक्ट कितना अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद मैंने लिया है NY का प्राइमर जो कि है कलर करेक्टिंग प्राइमर, और उसको अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और अच्छा है। फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, ये थोड़ी सी पैकेजिंग भी अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक है वर्क करता है। लेकिन अगर इससे अच्छा है तो इनसाइड का प्राइमर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने इनसाइड का फाउंडेशन लिया है जो कि मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। अगर आपको नो मेकअप लुक करना है, अगर आप कोई छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ईजीली ब्लेंड हो जाता है, आप इसको फिंगर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, इतना अच्छा ये फॉर्मूला लगता है मुझे। और डेली बेसिस पे अगर आप कॉलेज गोइंग हो, गर्ल हो या ऑफिस जाते हो तो आप इसको सच में ट्राई कर सकते हो। बस इतना ही है कि ये इतना ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, तो अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप ब्रश से इसको ब्लेंड कीजिए तो आपको थोड़ा बहुत कवरेज ये दे देगा। और अगर आपको थोड़ा सा और अपना बेस इनहेंस करना है तो आप इसको सेकेंड इसकी कोट आप अप्लाई कर सकते हो आपके फेस पे। आप देख सकते हो कि बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है और अच्छा स्किन जैसे इन्होंने बोला है वैसे ही वो सेकेंड स्किन का ही काम करता है। और उसके बाद मैंने लिया है एलेगल का जो कंसीलर है मेरा, इसमें शेड है मेरा प्योर बेज जो कि मेरे स्किन टोन का ही है, थोड़ा सा ये लाइट अप है मेरे स्किन टोन से। इसको अच्छे से मैं हाईलाइटिंग के तौर पे इसको यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ आज किया नहीं है। थोड़ा ही मेकअप यूज़ करके हम कितना अच्छे से ग्लैम मेकअप लुक कर सकते हैं मैं इसमें आज दिखाऊंगी आपको। ज़्यादा लेयर अप करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप थोड़े प्रोडक्ट यूज़ करके भी आप अच्छा सा बेस बना सकते हो। और उसके बाद मैंने लिया है ये अर्थ रिदम का है लिप चेक टिंट जो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया था। अगर आप मेकअप के बिना भी यूज़ करते हो तो भी एक अच्छा सा सटल सा इतना अच्छा ये प्रोडक्ट लगा मुझे, नेचुरल इफेक्ट देता है ये और सटल लगता है आपके और इजीली ब्लेंड हो जाता है। बर्गंडी इसका शेड है और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर मैं कोई भी पाउडर ब्लश या क्रीम ब्लश नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे देखना है कि इसका ये कितना अच्छे से वर्क करता है। तो उसके बाद मैंने पाउडर से अपना बेस सेट किया और उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्टोर करूँगी जो वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टोर है मेरी पैलेट उसी में से। तो उसके बाद मैं अपना मेकअप फिक्स करूँगी, स्विस ब्यूटी का फिक्सर है ये, उसको अच्छे से मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। उसके बाद आईब्रो के लिए मैंने लिया है ये इनसाइड का आईब्रो पेंसिल है जो कि मेरा टूट गया है, थोड़ा सा प्रोडक्ट है उसी को मैं उसी से काम चला लेती हूँ मैं कभी कभी। उसी के बाद मैंने मास्क की आई शेडो पैलेट ली है तो उसमें से ब्राउन शेड लिया है मैंने, और ज़्यादा कुछ मैंने आईज़ में नहीं करना। आई मेकअप मैंने थोड़ा सटल ही करना है तो उसको मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने ये आईलाइनर लिया है, आई थिंक ये
फेसेस कैनेडा का आईलाइनर है और उसको मैं विंक लिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और उसके ऊपर ही मैंने जो शिमर शेड था नेवी ब्लू कलर में सो उसको अप्लाई कर दिया है और आप देख सकते हो कि सिंपल सोबर आई मेकअप लग रहा है आज का। तो उसके बाद मैं कर्ल कर रही हूँ अपने आईलैश को सो इससे थोड़ा सा अच्छी पॉप आउट दिखती है आपकी आईज। तो उसके बाद मस्कारा लिया है मेबलिन का और अच्छे से कोट लगाया, मैंने 2-3 कोट लगाए इसकी अच्छे से सो आप देख सकते हो कितनी अच्छी आईज लग रही है सिंपल सोबर। देन मैंने लिया है इनसाइड का हाइलाइटर जो क्रीम हाइलाइटर है। गाइज ये सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, अफोर्डेबल रेंज में इतना अच्छा हाइलाइटर, बहुत अच्छा वर्क करता है, चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं नज़र आते इसमें। और इसकी एक और बात है कि ये फिंगर से अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, इसको ज़्यादा आपको ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिंगर से ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और ब्लेंड भी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितना सटल सा हाइलाइटर है ये, ज़्यादा गौड़ी नहीं दिखता है आपको। अगर आपको नेचुरल मेकअप करना है तब इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और उसके बाद मैंने एज अ लिप लाइनर मैंने अपनी स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल ली है सो आज मैं लिप्स में थोड़ा सा न्यूडिश ही रखने वाली हूँ अपने लिप्स को। तो उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट ली है, लिप पैलेट, तो उसमें से फर्स्ट वाला जो शेड है मैंने अप्लाई कर लिया है। सो इनर लिप्स पे ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आउटर पे मैंने पेंसिल से आउटलाइन कर लिया था। सो देन लिया है मैंने स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस जो कि बहुत अफोर्डेबल है और अच्छा वर्क भी करता है। और ये है मेरा फाइनल लुक गाइज। सो यही था आज का वीडियो गाइज, ये कोई भी पार्टी फंक्शन में विंटर्स में आप इसको अचीव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज़।